दोस्तों नमस्कार। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा की इस कड़ी के पिछले अंक के वादे के मुताबिक इस अंक में हम आपसे शत्रुघ्न सिन्हा के पॉलिटिकल कैरियर के विषय पर बात करेंगे। बॉलीवुड में शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा 1980 के दशक में अपनी फिल्मों में अभिनय और डायलॉग डिलीवरी को लेकर काफी लोकप्रिय रहे। 1991 के लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर और नई दिल्ली दो सीटों से चुनाव जीते। नियमों के मुताबिक जब एक सीट छोड़ने की बात आए तो आडवाणी जी ने गांधीनगर को अपने पास रखा और 1992 में नई दिल्ली के उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को उतार दिए। यहीं से शुरू हुआ शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा की पॉलिटिकल करियर। दोस्तों इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला बटन भी दबा दीजिए जिससे आपको हमारा अगला वीडियो आसानी से मिल जाए। नई दिल्ली के इस सीट से उन्हीं के दोस्त राजेश खन्ना ने फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे जो कि वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से हार गए थे। अपने अपोजिट में बीजेपी से अपना ही दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव में उतारे जाने के कारण वो शत्रुघ्न से नाराज हो गए और बात करना बंद कर दिए। उन्होंने मरते दम तक शत्रुघ्न सिन्हा से बात नहीं किए। शत्रुघ्न सिन्हा को राजेश खन्ना ने इस चुनाव में मात्र 27,000 वोट से हरा दिए और इसी तरह से कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा को पहली ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कड़ी मेहनत और दमदार भाषण को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें अपने स्टार प्रचारकों में शामिल कर लिया और जगह जगह उन्हें बुलाया जाने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे श्रेष्ठ नेताओं ने शत्रुघ्न को खूब महत्व दिया और इसका फायदा पार्टी को समय समय पर मिलता रहा। पार्टी ने उन्हें 1996 में बिहार के राज्यसभा में भेजा। वह 1996 से 2002 और 2002 से 2008 के दौरान राज्यसभा के सांसद रहे। उनकी कड़ी मेहनत को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें मेहनत का फल दिया और 2002 में उनको अपनी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया। हालांकि 2003 में उनका मंत्रालय बदलकर उन्हें जहाजरानी मंत्री बनाया गया। 2004 में कांग्रेस सत्ता में आए और शत्रुघ्न का मंत्री पद चला गया, लेकिन वह बीजेपी के साथ डटे रहे और जमकर प्रचार किया। 2009 में आडवाणी ने शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार के पटना साहिब सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा की जीत हुई। उन्होंने यहां से राष्ट्रीय जनता दल के विजय कुमार को 166,700 वोटों के अंतर से हरा दिए। इसी सीट पर कांग्रेस के टिकट से उतरे टीवी कलाकार शेखर सुमन को मात्र 60,000 वोट ही मिले थे, लेकिन 2009 में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाए और UPA2 की सरकार बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर आडवाणी का कंट्रोल कम होने लगा और नरेंद्र मोदी की पकड़ मजबूत हो रही थी। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद भी पटना साहिब से लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शत्रुघ्न का दावा कमजोर नहीं होने दिया और उन्हें फिर से टिकट दिला दिया। शत्रुघ्न ने अपने हमदर्दों का भरोसा कायम रखा और भोजपुरी फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले कांग्रेस कैंडिडेट कुणाल सिंह को 265,805 वोटों से हरा दिए। शत्रुघ्न को उम्मीद थी कि इस बार वह भी मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को भी मोदी के इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। यहीं से शत्रुघ्न की नाराजगी का दौर शुरू हो गया। आए दिन वह मोदी और उनकी टीम पर हमला करते नजर आए। कथित तौर पर मोदी शाह की जोड़ी से नाराज बीजेपी के एक गुट में शत्रुघ्न भी गिने जाने लगे। धीरे धीरे शत्रुघ्न विपक्षी पार्टियों के साथ नजर आने लगे और नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ सार्वजनिक मंचों पर नजर आए और अपनी ही पार्टी पर खुलकर हमला बोला। बीजेपी ने भी शत्रुघ्न से दूरी बना ली और अंततः 2019 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब सीट से उनका टिकट भी काट दिया गया और इस तरह से 30 साल एक साथ रहे बीजेपी का दामन शत्रुघ्न सिन्हा के हाथ से छूट गया। उनके स्थान पर रविशंकर प्रसाद को चुनाव में उतारा गया। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए और इसी सीट पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े, लेकिन रविशंकर प्रसाद से हार गए। गृह राज्य बिहार से संसदीय चुनाव में हार के 3 साल बाद उन्होंने मार्च 2022 में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने के लिए TMC में शामिल हो गए और 16 अप्रैल 2022 को शत्रुघ्न सिन्हा विजयी हुए और अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए TMC के तरफ से उन्हें फिर से आसनसोल सीट से नामांकित किया गया है। दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा की उपलब्धियां और उनके द्वारा अभिनीत सभी फिल्मों को लेकर हर बात हम आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द साझा करेंगे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।